हेलो दोस्तों, तो फाइनली फाइनली चेंगेज मूवी का ट्रेलर आ ही गया है एंड मैंने इसको हिंदी में देखा है, तो मैं रिव्यू भी आपको हिंदी में ही दूंगी। तो दोस्तों, ये ट्रेलर देखने के बाद ना एक ही चीज मतलब दिमाग में आती है कि इस मूवी में एक्शन, स्टोरी लाइन, एक्टिंग, सिनेमाटोग्राफी सब कुछ A1 है एंड हर एक डिटेल्स पे इतना ज्यादा काम किया गया है ना कि लग रहा है इस बार टॉलीवुड बंगाली फिल्म इंडस्ट्री भी एक पैन इंडिया लेवल की मूवी ला रही है। तो आई एम श्योर सिर्फ बंगाल के ऑडियंस को नहीं बल्कि पूरे देश भर में, विदेश में भी ये मूवी हिट होने वाली है बॉस। तो दोस्तों, ये ट्रेलर रिव्यू के बारे में आप पूरा जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे एंड अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सेकंड निकाल के जरूर से जल्दी से कर दे। तो दोस्तों, चेंगेज मूवी का जो ट्रेलर आया है वो ऑलमोस्ट 2.5 मिनट का है और इतने में ही जितना कुछ हम लोगों को देखने को मिला ना मूवी का, सिर्फ एक ही लाइन बोलूंगी दोस्तों, मूवी आने से पहले ही पता है कि मूवी हिट है बॉस। इस मूवी में हम लोगों को जानने को मिलेगा कि जयदेव कैसे चेंगेज बनता है, यानी कि वो एक बड़ा सा ड्रग का बिजनेस चलाता है और उसी के चलते वो क्या क्या करता है, किस किस के साथ मिलता है, वो सब हम लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा। और दो चीज मुझे जो बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट तो जीत का जो एक्टिंग है ना, मतलब इतना ज्यादा दमदार है, स्पेशली जो कैरेक्टर इसमें दिखाया गया है चेंगिस का, वो तो मतलब क्या ही कहना, वो हर एक डायलॉग जो भी बोल रहे इतना वजनदार है, इतना मजा आ गया दोस्तों। एंड दोस्तों, ट्रेलर के ठीक एंड में ना एक बहुत ही धांसू डायलॉग आता है जो मतलब इस ट्रेलर की जान है, जिसमें चेंगिस बोलता है कि ये तो ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है। तो मतलब समझ आ जा रहा है दोस्तों, एक ट्रेलर जो इतना दमदार बनाया ही गया है, जिसमें इतना सुंदर एक्शन सीन्स है, सिनेमाटोग्राफी है और तो बहुत सारे नेल बाइटिंग मोमेंट्स भी आ रहे थे, जैसे फर्स्ट में ही दिखाया उंगली चॉप ऑफ कर दिया, इतना मतलब आई एम श्योर जब मूवी आएगा ना तो बहुत सारे रोंगटे खड़े होने वाले मोमेंट्स होने ही वाले हैं। और दोस्तों, जीत का जो डबिंग है ना, इतना अच्छा एप्टली बैठ रहा था ना, हर एक डायलॉग्स में लग ही नहीं रहा है कि आप बंगाली मूवी देख रहे हो, प्रॉपरली लग ही रहा है कि हिंदी मूवी शायद देख रहे हैं, बिकॉज इतना इंटेंस सीन्स है ना कि आपकी आंखें लिपसिंग पे भी नहीं जाएंगी, बिकॉज इतने अच्छे से सिंक्रोनाइज किया गया है। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि सिर्फ 2.5 मिनट के ट्रेलर में ही हमें स्टोरी लाइन के बारे में ऑलमोस्ट 90% पता चल गया, लेकिन मैं गलत भी हो सकती हूँ, बिकॉज मेन मूवी में हो सकता है ऑब्वियसली फिल्म मेकर्स ने कुछ ना कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स तो रखे ही होंगे, ऑब्वियसली फुल मूवी तो बता नहीं देंगे ट्रेलर में, बिकॉज ऐसा होता है ना दोस्तों, जैसे कोई बॉलीवुड के सुपरस्टार ले लो, शाहरुख खान, सलमान खान का जब मूवी आता है तो उनके डायलॉग के बिना ही हम लोग वेट करने लगते हैं कि मूवी आने वाला है तो मतलब हिट होने ही वाला है। बट बिकॉज ये जीत का मूवी है और ये बंगाल से आ रही है तो नॉन बंगाली ऑडियंस के लिए आई थिंक जानबूझ के मेकर्स ने इतना सारा डिटेल्स छोड़ा है ट्रेलर में, ताकि लोग एक बार बस ट्रेलर देखे तो अच्छे से एंग्रॉस हो जाए और वो दिलचस्पी से वेट करते रहे कि कब मूवी सिनेमाघरों में आएंगे और मैं जाके देखूं। बिकॉज लास्ट का वो जो इम्पोर्टेंट डायलॉग है कि ट्रेलर ही था ये और फिल्म पूरा बाकी है, मतलब बहुत कुछ हम लोगों को फिल्म में भी देखने को मिलेगा, सो इत्मीनान से बैठे रहिए। एंड दोस्तों, सबसे अच्छी चीज ये लगी कि हर एक फाइटिंग सीन्स में ट्यून्स और पीछे म्यूजिक यूज किया गया है ना, लाइक जैसे उंगली चॉप ऑफ कर रहे तो वो कान में सुन होने वाला आवाज, एंड ये सब बहुत सारी बारीकियों का ध्यान रखा गया इस मूवी में। एंड सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जो एक्शन सीन्स है ना वो रिपीटेटिव नहीं है, बहुत सारे नए एक्शन डाले गए इस मूवी में, एंड जिन जिनको एक्शन जॉनर्स पसंद है ना वो लोग तो ऑब्वियसली रिलेट कर पाएंगे कि कितना अच्छा है इसमें एक्शन सीन्स। तो दोस्तों, आप लोग में से बहुत जन बोल रहे थे ट्रेलर आने वाला है तो उसका रिएक्शन या रिव्यू दो, तो ऑब्वियसली दोस्तों चेंगिस का जब ट्रेलर आया ना वो मेरे एक्सपेक्टेशन से भी हाई निकला दोस्तों, एंड बिकॉज मैं ऑलरेडी बंगाली हूँ, मैं ऑलरेडी जीत के बहुत सारे टॉलीवुड मूवीज देख चुकी हूँ एंड ही इज एन अमेजिंग एक्टर। इस बार खास करके इस अमेजिंग एक्टिंग के साथ ना इतना अच्छा धांसू स्टोरी लाइन भी है तो लग रहा है कि ये मूवी सुपर डुपर हिट होने ही वाली है। आप मुझे बताइएगा क्या आप भी इक्वली इंटरेस्टेड हो और क्या आपने ये ट्रेलर देख लिया है, कमेंट में बताइएगा एंड ऐसे मजेदार रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर ले।